गाइज आज आप जानेंगे फ्रेजल वर्ब, और जो फ्रेजल वर्ब है टर्न, टर्न के ऊपर जो मैंने साइड में आपको क्या दिखा रखे हैं विद एग्जाम्पल्स, उसके मीनिंग दे रखे हैं, और साथ में मैं हिंदी में बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक ही वीडियो में टर्न से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो जाएंगे। याद करने का तरीका क्या रहेगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो वो इंग्लिश है, सिर्फ ये इंग्लिश आपको लिखनी है, एक लिस्ट बनानी है इस तरह से, यहाँ पर साइड में किसी पेज में खाली पेज लेना, उसके अंदर लिखना टर्न आउट। अब टर्न आउट का मतलब क्या, पॉइंट नंबर एक हो गया। टर्न आउट का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि एंड अप, ठीक है। अब इसमें क्या है, आई हैड हॉप्ड, मैंने आशा की थी, और फर्स्ट मीटिंग हमारी पहली मुलाकात की, वुड टर्न आउट बेटर, यानी कि वो काफ़ी बेहतर होने वाली होगी, मैंने ऐसा आशा की थी, मैंने ऐसा टर्न आउट निकाला, उसका रिजल्ट निकाला मैंने, कि मैंने ऐसा कुछ सोचा था एंड हॉप किया था, उसके रिजल्ट किया था, उसके बारे में मैंने ऐसा सोचा था कि इसका आउटकम जो है वो बेस्ट रहेगा, यानी कि इसका मतलब हो गया रिजल्ट। तो आप इसके सामने ये जो जैसे मैंने लिखा है, तो ये आपको लिखना नहीं है, सीधा आपको इस तरह से लिखना है, टर्न आउट लिख दिया, तो इसको आपको याद रखना है नेक्स्ट लास्ट तक। टर्न अगेंस्ट, टर्न अगेंस्ट, टर्न मुड़ना होता है, अगेंस्ट खिलाफ होता है, तो आप किसी के खिलाफ, यानी सेट अगेंस्ट एंड इन अपोजिशन टू समथिंग, आप किसी के विरुद्ध जाते हैं। सी टर्न्ड हर अम्ब्रेला, उसने अपने अपने नाक को मोड़ा, और किस तरफ मोड़ा, अगेंस्ट विंड, हवा की तरफ कर दिया, ताकि क्या है कि अगर अपोजिट साइड में जाएंगे तो ये अम्ब्रेला उड़ जाएगा, हवा की तरफ करेंगे तो वो मेंटेन बना रहेगा, इसी वजह से उसने उसकी तरफ मोड़ा, यानी कि उसके खिलाफ कर दिया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब होता है, ठीक है, अगेंस्ट एंड इन अपोजिशन टू समथिंग। ओके, नंबर थ्री, उसके बाद आता है टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, और टर्न अराउंड का मतलब फिजिकली रोटेट एंड हॉरिजेंटली 360 डिग्री, यानी कि फिजिकली रोटेट होना या 360 घूमना। टर्न अराउंड वंस, एक बार, एंड अन ट्वाइस, एक या दो बार जो आप क्या किया, टर्न अराउंड हो जाओ, सारा चक्कर लगा लो, घूम लो, एंड सो आई कैन सी योर न्यू ड्रेस, ठीक है। तो आपने कोई ड्रेस पहन रखी है, उसने किसी सामने वाले ने किया, टर्न अराउंड हो जाओ, यानी कि एक बार रोटेट हो जाओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेट होने के लिए, वो टर्न अराउंड, चारों तरफ घूम जाना, ठीक है, टर्न अराउंड। नंबर फोर, टर्न अराउंड नेक्स्ट आ गया, तो ये थोड़ा डिफरेंट मीनिंग लाया, डुप्ली, ठीक है, डुप्लीसिटस जो लिख रखा है, यू कैन जस्ट टर्न अराउंड एंड से दैट इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, तुम्हें अपने बात से घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम अपनी बात से घूम नहीं सकते, बदल नहीं सकते, टर्न अराउंड नहीं ले सकते, ठीक है, एंड से दैट, और क्या कहता है कि इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, ठीक है, ये सब मेरी गलती थी, ठीक है, ये सब मेरी मिस्टेक थी, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, ये सब मैं ही दोषी था, यू कांट जस्ट टर्न अराउंड, आपको घूमने की जरूरत नहीं है, तुम इस बात से बदल नहीं सकते, इट्स माई फॉल्ट, ठीक है, यानी कि डाउट में जब हम बात करते हैं तब टर्न अराउंड लगा के, ओके, इसको इसी के साथ याद कर लेना। एंड टर्न बैक, टर्न बैक का मतलब वो रिटर्न टू प्रीवियस आफ्टर ऑफ बींग, टर्न बैक का मतलब सेम पोजिशन में वापस आ जाना। वंस वी टेक दिस डिसीजन, इसमें जो लिखा हुआ, वंस वी टेक दिस डिसीजन, एक बार हमने जो निर्णय ले लेते हैं, देयर्स नो टर्निंग बैक, तो वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐसा है, जबकि इसका मतलब क्या है, वापस सेम पोजिशन में आ जाना, टर्न बैक होता है, टर्न बैक का मतलब सेम पोजिशन में वापस आ जाना। नंबर फाइव आपका आता है टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, अब टर्न ऑन और ऑफ जो होते हैं, जैसे शुरू करना या बंद करने की सेंस में भी आता है टर्न अप का मतलब, जैसे ऊपर की तरफ कोई साउंड इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए टर्न अप लगा सकते हैं, तो टर्न ऑफ का मतलब स्टॉप ए डिवाइस बाय स्विचिंग इट ऑफ, टर्न ऑफ द मशीन, मशीन को बंद करो एंड अनप्लग इट, और उसको अनप्लग करो, यानी कि एक तो स्विच लगाना हो गया, एक स्विच निकालना हो गया, तो उसको प्लग करना हो गया, एक प्लग अनप्लग करना हो गया, हटाना हो गया, इट व्हेन यू लिव, जब भी आप कोई स्थान छोड़ देते हैं, उस जगह से चले जाते हैं, तब उस मशीन को क्या है, आपको बंद कर देना चाहिए, जब भी मशीन से आप दूर जाते हैं तो उस मशीन को बंद कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए, और टर्न ऑन इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, शुरू करना हो जाएगा। नंबर सिक्स, टर्न इन, टर्न इन का मतलब क्या होता है, टर्न इन, तब तक आप पढ़िए, बस पढ़ लिया होगा, सबमिट समथिंग्स टू गिव, ठीक है, देना या स्वीकार, सबमिट करना कुछ भी, ठीक है। ही टर्न इन हिज टी पेपर वर्क टू द मैन ऑफिस, अब उसने क्या किया, ये जो पेपर वर्क है मैन ऑफिस के अंदर टर्न इन कर दिया, यानी सौंप दिया उनको, उनको दे दिया, टर्न इन का मतलब देना, ठीक है, टर्न इन यानी कि गिव करना, टू गिव, तो इसके सामने लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो यहाँ पर लिखे हुए हैं और क्या है, टर्न डाउन देगा, टर्न डाउन रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, टर्न डाउन, टर्न डाउन। नंबर सेवन,
टर्न डाउन क्या हो गया, रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज डिक्लाइन एंड डिनाई इनकार कर देना, डिक्लाइन कर देना इनकार करना. ही टर्न डाउन ऑल ओवर ऑफर्स ऑफ हेल्प, जो सहायता के सारे ऑफर है उसने ठुकरा दिए, ठीक है, टर्न डाउन कर दिए. तो आपको टर्न डाउन भी समझ में आ गया होगा, टर्न डाउन का मीनिंग क्या होता है. अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट प्रेजेंट पब्लिक क्या होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, और याद करने का तरीका क्या रहेगा, तो याद करने का तरीका बस इतना सा है कि ये जैसे इस वाले पार्ट्स को आपको देखना है, ठीक है, इस वाले पार्ट को आप देखना और इसके अंदर चेक करके देखो कि आपको कौन सा टर्न आउट आ रहा है कि नहीं, टर्न अगेंस्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है. और फिर उसके बाद जो है उसको फिर से डिस्कशन इस साइड कीजिए. आपके सामने एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद रहने लगे. दूसरा ये है कि इनको एक बार याद करने के बाद फिर छोड़ना नहीं है, वीकली या तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, सात दिन, जब तक ये वर्बली आप यूज़ नहीं करने लग जाएं. आप अपनी लैंग्वेज में इनका यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है. और लैंग्वेज के मोटिव से अगर आप याद करते हैं, इनको थोड़ा यूज़ करते हैं अपने जनरल लाइफ के अंदर, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है. टर्न डाउन कर दिया यार, उसने मेरे को ठुकरा दिया या रिफ्यूज़ कर दिया, मेरे को ऐसे इनकार कर दिया, ये चीज़ मेरे को मिली नहीं, तो टर्न डाउन याद कर लीजिए. टर्न अगेंस्ट यानी उसने मेरे खिलाफ, जैसे ये जो भी है खिलाफ, जैसे बोलते हैं टर्न अगेंस्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप अगर इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो यूज़ हो जाएगा. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू वेरी मच.